हेलो गाइस, तो देखिए मम्मी अभी की कर रही है छुट्टी और यहाँ का खेल रही है। बाबू हेलो करो, काकी हेलो करो, हेलो 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 करो बाबू। क्या नहीं, हेलो हेलो बोलते हैं जो पापा के पास ले जाओ। लो जी, तो देखिए गाइस यहाँ पर चल रही है नव्या की मस्ती और इधर रूहानी आ चुकी है और रूहानी व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही थी पर ये व्लॉगिंग नहीं कर पाई। कह रही ये बोल रही थी कि मेरे से नहीं हो पा रही और इधर मैं कर दूंगी मनु की चोटी और अभी मैंने रूहानी की भी दोनों चोटी बनानी है और उसके बाद ये चोटी वगैरह कर दूंगी। और साइड में रखा हुआ है इनका दूध गर्म करके क्योंकि नाश्ते इन्होंने कर लिया है, पराठे दिए थे मैंने इनको बनाकर और ना दूध अभी पिएंगी ये, पहले चोटी वगैरह करा ले फिर ये दूध पीकर। और आई कार्ड वगैरह दिखा रही थी ये अपना रूहानी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए इधर बच्चे हो चुके हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। ये देखिए इधर गंगा गौरी और ये मनु और इधर ये रही रूहानी, सभी रेडी हो चुके हैं और ये रखे इनके बैग दोनों के, इसका रूहानी का ही है और मनी ने लगा लिया अपना बैग पीछे। और अभी इनका टाइम हो चुका है तो देखिए गाइस अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं अभी करूँगी यहाँ पे साफ सफाई क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा देखिए क्या हालत हुई हुई है। इधर पलंग पड़ा है, इधर बिस्तरे वगैरह ये सब रखूँगी और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है हमारा, सिर्फ बच्चों को ही स्कूल भेजा है नाश्ता वगैरह करा कर। और रात मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा उससे ही दे दीजिए मुझे सब्जी से रोटी और जैम वगैरह, वो आज नहीं लेकर गए हैं। और ये देखिए ये उनका वाटरमेलन ऐसे ही छोड़ के चली गई हैं, जब पाएंगी तब दोपहर में आके फिर दोबारा से खा लेंगी। और देखिए हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, रात से ही सारी रात हो गई और इन्वर्टर भी सिट्टी बोल गई है उसकी भी। और चलिए गाइस करते हैं हम अपने काम की शुरुआत। तो देखिए फ्रेंड्स इधर आ चुकी हूँ मैं, यहाँ पर अभी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी और ये कवर वगैरह सब कुछ इनके उतार दूँगी क्योंकि चादर दो तीन दिन हो गए हैं बिछी हुई को, तो इसको मैं धोने में डाल दूँगी और इसको धोने के बाद दूसरी बेडशीट लगा दूँगी। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था बच्चों को, बस अभी इसके पापा आएंगे तो उनके लिए नाश्ता बनाना है मुझे। और क्योंकि रूहानी के टाइम का स्कूल का टाइम हो चुका है 7:20 का, तो इसीलिए वो 7 बजे चले जाते हैं और 7:30 बजे तक दोनों बच्चों को ड्रॉप कर वापस आ जाते हैं। और फिर आने के बाद नाश्ता वगैरह करके फिर वो अपनी दुकान में काम करने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि दो तीन दिन से लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है तो इसीलिए उनका काम भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और वो काम देना भी ज़रूरी है तो इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर भी काम करते हैं। सुबह 6:30-5 बजे भी कई बार काम करने लग जाते हैं और बीच में कि टाइम लगता ही है, फिर लाइट भी तंग करती है। सुबह सुबह तो थोड़ी टिकी रहती है लाइट पर अब तो सुबह भी तंग करने लग गई। और इधर आए थे मम्मी जी की तबीयत आज थोड़ी सी डाउन है। और ये देखिए नव्या आ चुकी है मुझे, जहाँ जिस कमरे में होती हूँ उसी कमरे में पहुँच जाती है ये मुझे देखती देखती। और अभी मैं इसके साथ बात कर रही थी और ये लाइट को देखकर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि डिम लाइट थी तो वहाँ ये बत्ती जल रही थी, यहाँ पे आल आउट लगा रखी है तो इसकी बत्ती जल रही थी थोड़ी सी तो उसको देख के खुश हो रही थी, सोच रही थी लाइट आ चुकी है। फिर मैं इससे बात कर रही थी कि बेटा लाइट नहीं आई और ये खुश हो रही थी। और देखिए अब भी बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है सारे घर में, सिर्फ मैं ये वाला कमरा क्लीन करूँगी पहले और उसके बाद फिर सारे घर की साफ़ सफाई करूँगी। और मिस्त्री लगे हुए हैं, मिस्त्री लगे होते हैं जब तो बहुत ज़्यादा गंद हो ही जाता है गंदगी सी थोड़ी मिट्टी क्योंकि मिट्टी वाले पैर बार बार आते हैं, रेत बार पड़ा हुआ है तो रेत वाले पैर आ जाते हैं बार बार, इसीलिए सफाई जितनी मर्जी कर लो वो सफाई लगती नहीं है। पर एक पर वही है ना कि काम करना भी ज़रूरी है तो दिन में 2 बार काम होता है, सुबह सुबह फिर शाम के टाइम जब मिस्त्री वगैरह चले जाते हैं फिर दोबारा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और ये देखिए इधर मैंने इसको दूध दे दिया है नव्या को और ये लेट गई है, अभी मैंने इसको भी नहलाना है नव्या को
और इसको नहलाने के बाद फिर मेरा सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये लेट कर सो जाती है, इसीलिए फटाफट काम ख़त्म कर दूंगी मैं अपना। तो ये देखिए बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से लगा दी है और इधर अब मैं कर लूँगी। ये कपड़े धो कर रखे थे, रात में ही डालती हूँ क्योंकि सुबह तो मिस्त्री रेता वगैरह गिराते रहते हैं ऊपर से छत पे से, तो इसीलिए मैं इस रात को डाल देती हूँ। सुबह तक सूखने के बाद सारे अब तय बना कर रख दूँगी इनकी। और ये देखिए मुझे कपड़े तय नहीं करने दे रही है बार बार, जो भी कपड़ा मैं तय कर कर रख रही हूँ और वही कपड़ा आकर उठा रही है। और ये देखिए आ चुके हैं बच्चों को छोड़कर, और मैं अभी बना दूँगी कपड़े तय करके इनके लिए नाश्ता, और उसके बाद करूँगी मैं अपना सारा काम। और आज सिर्फ पराठे ही से बनाऊँगी मैं, क्योंकि सब्जी पड़ी हुई है। और ये देखिए फटाफट कपड़ों पे हाथ रख रही है कि मैं उठा लूँगी, और एक कुर्सी पकड़ रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुर्सी पे से ही गिर ना जाए, तो मैं इसको बोल रही थी बेटा साइड हो जाए साइड हो जाए, पर ये मान नहीं रही थी। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, बहुत शैतानी करने लग गई है और बहुत जल्दी समझती भी है, एक्शन वगैरह ज़्यादा करने लग गई है अभी, बाय क्लैपिंग ये सब चीज़ें। और इसके दांत भी आ गए हैं, और इसके तीन चार दांत आ चुके हैं इसके, छोटे छोटे से हैं, और वो उनसे काटती तो नहीं है पर कभी कभी सोचती है कि काटने की, इसको डांट दो तो मान जाती है। और अभी इसका आने वाला है नव्या का बर्थडे, और अभी इसका बर्थडे मई में आने वाला है जल्दी। तो चलिए गाइस इस वीडियो करते हैं हम यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।